पानीपत के गांव भंडारी में एक 24 वर्षीय युवक की जहरीला स्प्रे मिलाकर पानी पी लेने से मौत हो गई, जिसके बाद से छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि पानीपत के गांव भंडारी के आईटीआई के एक छात्र ने अपनी ही मौत की पटकथा अपने ही हाथों से उस वक्त लिख दी जब खेत में गए 24 वर्षीय सुमित ने घास में कीटनाशक जहरीले स्प्रे करने के बाद उसी स्प्रे से सने हाथों से खेत में बने ट्यूबवेल से पानी पी लिया, जिससे उसके हाथों पर लगा जहरीला स्प्रे पानी के माध्यम से उसके शरीर में चला गया, जिसके बाद छात्र सुमित की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं परिजन तुरंत सुमित को पानीपत के एक निजी अस्पताल में लेकर आए, जहां पर सुमित ने बीती रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद सुमित के शव को पुलिस पानीपत के सामान्य अस्पताल में लेकर आई और पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल परिजनों द्वारा कोई भी कार्यवाही की मांग ना करने के बाद पुलिस ने 174 की कार्यवाही अमल में लाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। बता दें कि सुमित की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और जवान बेटे की मौत के बाद उसके माता पिता और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये मेरा भतीजा था जी, और ये सवेरे नेड़ावासी कुछ बिना खाए किए घर से मतलब बरसीन में सुंडी लग रही थी, ये स्प्रे करने का कीटनाशक दवाई की, तो इसने उन हाथों से थोड़ा पानी पी लिया चबच्चे से, तो इसका सर में दर्द होना शुरू हो गया। ये मतलब वहाँ से खेत में से घर आ गया, घर आने के बाद ये बेहोशी की हालत में हो गया, तो परिवार वाले हम सब इसको बालाजी हॉस्पिटल में लाए, फिर जिन्होंने इलाज मतलब 10-12 घंटे इलाज चलाया और रात के करीब 9:30 बजे इसने दम तोड़ दिया, तो उसके बाद मतलब पुलिस कार्रवाई उन्होंने करी है जो कुछ भी है। नाम इसका क्या काम करता है? इसका जी सुमित है। क्या काम करता था जी? ये आईटीआई में भी एडमिशन था इसका, पढ़ा करता। आपकी बार एडमिशन हुआ था या प्लस टू करके एडमिशन लिया ना? प्लस टू करने के बाद। कितनी उम्र थी? 24 साल की। शादी से ना जी? है भाई। आपका क्या नाम है जी? रामवीर। कौन से गांव से है जी? भंडारी से, कौम बरागी लगता है मुझे। ये लड़का सुमित है भीम सिंह का, गांव भंडारी से, 24 वर्ष के करीब इसकी आयु है। ये कल खेत में गया था स्प्रे स्प्रे कर रहा था, वो उन्हीं हाथों से इसने पानी पानी पी लिया, तो इसकी तबीयत ख़राब होगी, इसको इलाज के लिए बालाजी हॉस्पिटल में ले आए, तो करीब 9:30 बजे रात को इसकी मृत्यु हो गई। इसमें किसी का कोई वो नहीं है। कार्रवाई क्या करी सर? 174 CRPC की कार्रवाई करी है। ठीक है सर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।